और इस बीच बात करेंगे बरेली की। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा अतीक अशरफ हत्याकांड के खिलाफ धरना देने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि धरना देने से पीछे नहीं हटेंगे। धरने को लेकर मौलाना ने लोगों से अपील की है कि अगर पुलिस रोके तो वहीं धरने पर बैठ जाएं, गिरफ्तारी दें, नारेबाजी करें, विरोध करें। उधर पुलिस ने भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। धरना स्थल वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आईएमसी के पदाधिकारियों को नजरबंद किया गया है। दरअसल उनका कहना है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, सरकारें आंखें मूंद कर बैठी हैं और हिंदू संगठनों के गुंडे मुसलमानों की जान के दुश्मन बने हुए हैं और ऐसे में अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने आज धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। अशरफ और अतीक हत्याकांड के विरोध को लेकर जो है इन्होंने बाकायदा अपने निवास पर प्रेस वार्ता की थी और ये कहा था कि आज बुधवार के दिन जो है इस्लामी इंटर कॉलेज पे वो जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और उन्होंने सीधे सीधे प्रशासन और जिला प्रशासन को गड़गड़े में खड़े करते हुए कहा था कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आईएमसी के जिलाध्यक्ष नदीम खान के घर पे और देखिए किस तरह की यहाँ पे फोर्स डिप्लॉय कर रखी है और यहाँ पर किस तरह से घोषणा की गई थी कि मौलाना तौकीर रजा ने की चाहे शहर के हालात कैसे हो भले ही कर्फ्यू लागू हो जाए तो ऐसे में जो है वो उनका धरना जो है जरूर होगा। प्रशासन ने जो है मौलाना तौकीर रजा और उनके जो संगठन के जो नेता है उनको नकेल कसने का काम करा है। जो भी बड़े नेता है चाहे वो नदीम का हो, डॉक्टर आसिफ हो, मुनीर इदरीसी हो, सभी के घरों के बाहर जो है नाकेबंदी कर दी है और ऐसे में जो है और कहा जा सकता है कि मौलाना तौकीर रजा का जो ये धरने का प्रदर्शन का जो कार्यक्रम था पूरी तरह से विफल करने के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या मौलाना तौकीर रजा का इस्लाम में पहुंच पाते हैं या नहीं। कैमरामैन पवन के साथ अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली। और इस वक्त बरेली से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जो ऐलान किया गया धरना प्रदर्शन का विरोध का, फिलहाल मौके पर क्या स्थिति नजर आ रही है क्योंकि मौलाना तौकीर रजा अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, प्रशासन की समझाइश कैसे चल रही है वहां? देखिए, मुझे बताना चाहूंगा मौलाना तौकीर रजा और विवादित बयान है, ये दोनों का चोली दामन का साथ है और अभी से कुछ देर पहले जो है मौलाना तौकीर रजा जो है जो कि रात में ही अपने घर से निकल के नदीम खान जो जिलाध्यक्ष है उनके घर पे आ गए थे और उसके बाद अभी कुछ देर पहले जो है पुलिस और आईएमसी के जो प्रमुख है मौलाना तौकीर रजा और उनके जो साथी है उन्हें जमकर धक्का मुक्की वो अड़े हुए थे कि हमें जो है वहां पे स्वामी इंटर कॉलेज पर जाना है और हार खा के जब भारी पुलिस वाले ने जो है उन्हें पीछे धकेल दिया। अब ऐसे में जब वो मीडिया से रूबरू हुए तो उनका सीधे सीधे तौर पर यह कहना था कि यहाँ पर ना तो पुलिस चल रहा है ना लोकतंत्र चल रहा है, सीधे सीधे लोकतंत्र बिल्कुल तो व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तौकीर रजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।